आपने कोटक महिंद्रा बैंक में एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन किया है, ठीक है, आप उसका नेट बैंकिंग यूज कर रहे हो और सपोज दैट बाई चांस आपका नेट बैंकिंग लॉक हो जाता है, ठीक है, जैसे कि कारणवश जैसे कि आपने अपना पासवर्ड भूल गए रहोगे, आपने 4-5 बार अपना पासवर्ड रॉन्ग अपडेट करने के कारण से आपका नेट बैंकिंग लॉक हो जाता है, ठीक है, लॉक हो जाता है। सेकंड थिंग यह कभी कैसा होता है कि ओटीपी रॉन्ग डाल देते हैं या कोई फ्रॉड करता है तो आपका नेट बैंकिंग जो होता है लॉक हो जाता है, ठीक है। तो बात करता हूँ इस वीडियो में कि कैसे हम कोटक महिंद्रा बैंक का नेट बैंकिंग लॉक हुआ रहेगा तो कैसे उसको अनलॉक करते हैं। हाय, मेरा नाम अमन चौधरी, मेरे यूट्यूब चैनल अमन इन्फो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे हम कोटक महिंद्रा बैंक का अगर नेट बैंकिंग लॉक हुआ है तो कैसे अनलॉक करेंगे, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे रिलेटेड वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बैंक का जो ऑफिशियल साइट है ना, मैं आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, और प्लस आप खुद अपने ब्राउजर में जाके टाइप करना है कोटक नेट बैंकिंग, ठीक है। तो कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद ना आपको फर्स्ट यहाँ पे पूछा जाएगा लॉगिन इनटू कोटक, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया इंटर योर CRN नंबर, ठीक है। तो आप यहाँ से अपना CRN नंबर डाल सकते हो, अगर आपके पास CRN नंबर नहीं है तो अपना डेबिट कार्ड नंबर डाल सकते हो और अपना यूजर नेम डाल सकते हो, ठीक है। आपके पास 3 ऑप्शन है। तो सेकंड थिंग, आपके पास अपना CRN नंबर डालना है, ठीक है। तो आप CRN नंबर डाल दोगे, CRN नंबर डालने के बाद में, ठीक है, तो आपको यहाँ पे पूछा जाता है जैसे कि इंटर योर पासवर्ड, ठीक है। तो जैसे कि आपको आपका पासवर्ड नहीं पता है ना, तो आप क्या करोगे डायरेक्टली ना, आप यहाँ पे लिखा हुआ है जनरेट योर पासवर्ड, मतलब आपने 3-4 बार ट्राई कर लिया, आपके मतलब 4-5 बार आपने ट्राई किया, ठीक है, 4-5 बार ट्राई किया आपका जो कि नेट बैंकिंग था अनलॉक हो, मतलब लॉक हो चुका था, तो 12 घंटे बाद फिर ये एक्सेस हो गया नॉर्मली, ठीक है, नॉर्मली हो गया ये। तो अभी आपको क्या करना है, अगर आपको पासवर्ड आपको नहीं पता है ना, तो आप प्लीज़ इसको अगेन ट्राई मत कीजिए। इसमें सिंपल सा एक फंडा है, आप इसका नया पासवर्ड बना लीजिए, बनाने के बाद में फिर आप इसको लॉगिन कीजिए, ठीक है। अगर आप बार बार अगर अपना पासवर्ड अगर मतलब लॉगिन करना चाहते हो और पासवर्ड को जनरेट नहीं करना चाहते ना, तो कैसा होगा पता है क्या, ये ऑल टाइम के लिए ना सीज हो जाएगा, मतलब ये ना ऑल टाइम के लिए फीज हो जाएगा। फिर ये ना कम से कम इम्पॉसिबल है ये खुलना, ठीक है। फिर या तो आप तो कस्टमर केयर पे ही कॉल करके आप खुलवा सकते हो, या तो फिर ब्रांच में जाकर रिक्वेस्ट फॉर्म देके ही खुलवा सकते हो, ठीक है। तो ये ऐसा हो जाएगा, तो प्लीज़ मैं यही बोलूँगा आप इसको 10 बार ट्राई मत कीजिए। अगर आपने एक बार अटेंड किया और आपका पासवर्ड रॉन्ग आ रहा है, तो दूसरी बार आप दूसरा ऑप्शन है इसमें पासवर्ड जनरेट करने का, आप इजीली अपना पासवर्ड जनरेट कर लीजिए, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बता रहा हूँ कैसे जनरेट करते, यहाँ से लिखा हुआ है, ठीक है, जनरेट योर पासवर्ड, पासवर्ड पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे पूछा जाएगा इंटर योर मोबाइल नंबर, आप यहाँ से अपना मोबाइल नंबर डाल के जस्ट नेक्स्ट स्टेप करिए, ठीक है। जब आप अपना मोबाइल नंबर डाल के नेक्स्ट करोगे तो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे वेरिफिकेशन कोड आएगा। वेरिफिकेशन कोड आगे जैसे कि इसमें दो टाइप के होते हैं, या तो आपके मेल आईडी पे भी आपको जा सकता है, या तो आपके मोबाइल नंबर पे भी आ सकता है, ठीक है। तो दोनों आपको एक बार आप चेक कर लेना। चेक करने के बाद यहाँ से जैसे कि कोड डालने के बाद यहाँ से नेक्स्ट करोगे, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर पूछा जाएगा इंटर योर डेबिट कार्ड, ठीक है, क्रेडिट कार्ड एंड फॉरेक्स कार्ड। अगर आपके ये तीनों में से कोई भी कार्ड है तो आप वहाँ का नंबर यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है। तो नंबर आपको यहाँ पर डालना है। तो बात करते ना, अगर आपके पास सपोज़ कोटक का ना क्रेडिट कार्ड है या चाहे डेबिट कार्ड है, ठीक है, बट मतलब आपके पास फिजिकल नहीं है, ठीक है, बट वर्चुअल है। वर्चुअल बोले तो जैसे कि आपके कोटक 811 जो मोबाइल ऐप में होता है ना डेबिट कार्ड, ठीक है, डेबिट कार्ड होता है कुछ इस टाइप का, कार्ड इस टाइप का होता है ना वर्चुअल डेबिट कार्ड, तो यहाँ पे उसका नंबर लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो जैसे कि तो ऐसे आप कोटक के 811 पे क्लिक करोगे ना, तो आपको वहाँ पे वर्चुअल डेबिट कार्ड दिखाई देगा, ठीक है, दिखाई देगा। तो नंबर आप यहाँ से डेबिट कार्ड का यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है, डाल के इसको अनलॉक कर सकते हो, ठीक है। तो चलो डालते हैं इसको, नंबर डाल के नेक्स्ट करोगे ना, क्रेडिट कार्ड नंबर डाल के नेक्स्ट करोगे ना, तो यहाँ पे देखो एक्सपायरी डेट पूछा जाएगा, ठीक है, यहाँ पे CVV नंबर, और यहाँ पे चाहे क्रेडिट कार्ड हो चाहे डेबिट कार्ड हो, ठीक है, उसका 6 डिजिट का पिन कोड होता है, वो पिन कोड आपको यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। कार्ड का पिन नंबर डाल के यहाँ से नेक्स्ट करोगे ना, ठीक है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक पूछा जाएगा न्यू पासवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो आप ऊपर डालोगे वही यहाँ पे नीचे डालना है, ठीक है, मतलब फर्स्ट लेटर कैपिटल चाहे स्मॉल डालो, ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल और कुछ स्पेशल कैरेक्टर लेटर, ठीक है, डाल के
डालने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट करोगे ना, तो आपका देखो आपका यहाँ पे लिखा है न्यू पासवर्ड सेट, ठीक है, आपका नया पासवर्ड आपका बन चुका है, ठीक है। तो ऐसे आप अपना नया पासवर्ड जनरेट कर सकते हो और उसी के हिसाब से फिर नया पासवर्ड जनरेट कर लोगे तो उसको अपने डायरी और अपने कहीं पे भी अपना लिख के रख लीजिए, ठीक है। फिर आपको ना कैसा कि नेक्स्ट टाइम जब आप अपना कोटक बैंक का लॉगिन करोगे, लॉगिन करना रहेगा तो फटाक से कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे अपने डेबिट का सॉरी नेट बैंकिंग का पासवर्ड जनरेट करते हैं, ठीक है, एंड उसको अनलॉक भी ऐसे ही करते हैं। तो आज इस वीडियो में आपने सीखा रहेगा कैसे कैसे कोटक नेट बैंकिंग का अनलॉक करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर, ऐसे रिलेटेड वीडियो पे चैनल पे अपलोड करता हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं हमें इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।